सेहत इंसान के लिए जहां हजार नेमत है, वहीं बीमारी और मर्ज इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। ये भी कहावत सही है कि हारे साथ बोल कर नहीं आते। शहर के नुहाई इलाके चिंगी चल्ला में पिछले हफ्ते पेश आए आतिशजदगी हादसे में शेख इब्राहिम शदीद तौर पर झुलस कर जख्मी हो गए। अंबरपेट से ताल्लुक़ रखने वाले 60 साला शेख इब्राहिम अपने रिश्तेदार से मुलाकात करने के लिए चेंगी चेला से गुजर रहे थे कि यहाँ अचानक ऑयल टैंकर में धमाके से वो भी आग की जद में आकर शदीद तौर पर जख्मी हो गए। पेशे से टेलर शेख इब्राहिम की माशी हालत काफ़ी कमज़ोर है और वो दो जवान लड़कियों पर मुश्तमिल खानदान के वाहिद कफील हैं। शेख इब्राहिम की अफराद खानदान ने उनके इलाज के लिए हुकूमत और अहल खैर हजरात से माली ताउन की अपील की है। हमें बहुत मुसीबत में है, हम कोई मदद करो बोल के हम माफी मांग रहे, मदद करो हमारे को जब कोई मिल गए। और उनका कोई कोई भी दवाखाने में देखभाल ही सही नहीं हो रही। 3 दिन में मंगल के दिन डिस्चार्ज कर दिए, फिर उसके बाद दूसरों का इन्फेक्शन हो रहा बोल रहे, उसलिए वापस कर दिए। फिर चाशुमा 1 दिन रखे, फिर दूसरे दिन परेशान करने से फिर लेके गए उनको। वो बहुत परेशानी से फिर उनको ले लिए, लेकिन उनको ट्रीटमेंट सही भी नहीं देख रहे। रात भर उन्होंने तड़पे भी, कुछ भी नहीं देखे। कोई भी हमारे को मदद करने वाला नहीं है। शेख इब्राहिम के 2 लड़कियां शादी को है, एक छोटा लड़का है, उनकी शादी कैसा होंगी? उनका ट्रीटमेंट 1 साल होता अभी ठीक होने के लिए, और 2 महीने में लड़की की शादी है। हम डीएम से गुजारिश करते हैं कि हमारे भाई को मदद कीजिए गवर्नमेंट से। कंपनी टैंकर वाला भी कोई मदद नहीं करा अभी तक हम लोग।